द कार्पेंटर स्टोरी इज क्वाइट एन ओल्ड स्टोरी, काफी पुरानी कहानी है। नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है एक बार एक कार्पेंटर था जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, नए घर बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। काफी अच्छा काम करता था, बट अब 35 साल उसको काम करते हो गए थे, उसको लगता था उसकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है और उसको अब रिलैक्स करना चाहिए। सो नॉक नॉक वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा। बॉस बैठे हुए थे, उन्हें बोला कि बॉस 35 साल आपके साथ बड़े अच्छे गुजारे, पर अब मुझे लगता है मुझे अपने परिवार के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझ में एनर्जी भी कम है, आई थिंक आई शुड रिटायर नाउ, मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो बॉस ने बोला यार सोच ले अच्छे से, अभी तू काम कर सकता है। और कहता नहीं सर, मैंने अपना मन बना लिया है और बड़ा अच्छा समय आपके साथ गुजारा और अब मैं चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट लेकर अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूं। तो ठीक, बॉस ने बोला ठीक है, पर जाने से पहले एक लास्ट प्रोजेक्ट है, एक लास्ट घर बनाना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इसने सोचा यार बॉस को भी अभी देना था काम, अब मैंने जब जाने का मूड बनाया है। इसका मन नहीं था, पर इसने प्रेशर में आके, क्योंकि बॉस के साथ 35 साल काम किया है, उसको ना तो बोल नहीं सकता था, इसने उसको हां बोल दिया कि हां ये आखिरी घर मैं बना के आपको दे दूंगा। पर पहले दिन से दोस्तों उस काम में उसका दिल नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, डिजाइन में उसने एफर्ट नहीं लगाया, सामान कहां से आ रहा है, कैसा मटेरियल है, कैसा काम हो रहा है, कैसी सुपरविजन है, ये सब उसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जैसे तैसे करके फटाफट से एक घर बनाकर बॉस के पास पहुंचा। बॉस लीजिए, आपका जो लास्ट असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो गया है, ये घर बन चुका है, अब प्लीज मुझे जाने की इजाजत है। तो बॉस ने पहले तो थैंक्स बोला, फिर बोला रुकिए बैठिए, दो मिनट, आपने हमारी 35 साल सेवा की है, आपके जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम आपको एक रिटायरमेंट गिफ्ट दें। तो बॉस ने नीचे ड्रॉर में से एक चाबी निकाली और वो चाबी इस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। और दोस्तों वो उसी घर की चाबी थी जो इस कारपेंटर ने अभी बनाया था। जैसे उसे ये पता लगा तो उसने सोचा आह काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता। और यही गलती कई बार हम अपने जीवन में कर देते हैं, काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के बड़े फेमस प्लेयर हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी कहावत है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। He said people can be divided into three categories. लोगों को हम तीन categories में divide कर सकते हैं। Category number one, those who wish things would happen. Category number two, those who make things happen. And category number three, those who wonder what happened. कि भाई हुआ क्या? अहम है एक चीज याद रखिए। हर दिन अपने काम पर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसेस में, हर एक दिन एक एक ईंट करकर आप वही इमारत बना रहे हैं जिसमें कल आपको खुद रहना है। और कल को अगर आपको वो इमारत पसंद ना आए तो हम उसका ब्लेम किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, केवल अपने ऊपर। तो इस कारपेंटर की तरह मुझे उम्मीद है कि कल को हम ये ना कहें काश मुझे पहले से पता होता। मुझे पता है स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, काश मुझे 4 साल पहले पता होता कि इस चैप्टर की, इस लेसन की, इस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी महत्वपूर्णता होने वाली है, तो शायद मैं अलग से ध्यान से पढ़ता। मुझे पता है प्रोफेशनल्स अपनी जॉब्स पर ये गलतियां कर देते हैं, काश मुझे पहले से पता होता वो पहले 20 दिन काम पर मेरे इतने इंपॉर्टेंट थे। आशा है कि हम ये गलती ना करें और कारपेंटर की इस कहानी से ये सीख हम जरूर लें। Thank you for watching.